नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। कोरोना की महामारी पर काबू पाने के लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है और देश में टीकाकरण का जो एक अभियान है उसको भी लगातार उसमें तेजी लाई जा रही है, तो वहीं विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लगातार मोदी सरकार को घेरने का भी काम कर रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में एक तरफ जहाँ आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है केंद्र पर कि उसको जितना वैक्सीन मिलना चाहिए उतना वैक्सीन नहीं मिल रहा है, उसने डोज नहीं मिले जिसकी वजह से कई वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ा है, तो अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा है कि भारत सरकार जो है लोगों का टीकाकरण नहीं करना चाहते, अगर लोगों की जान बचाना है तो टीकाकरण करना पड़ेगा। और मोदी सरकार यही नहीं, ओवैसी ने यह भी आरोप लगा दिया कि मोदी सरकार इस महामारी के दौर में एक शोहरत की राजनीति कर रही है। इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि भारत में के लोगों की अगर जान बचानी तो हर महीने कम से कम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की जो है वो डोज लगानी पड़ेगी। हम आपको बता दें, लगातार विपक्ष की पार्टियां वैक्सीन के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरने का काम कर रही है। आप खुद सुनिए इस वीडियो में कि आखिर ओवैसी ने क्या कुछ कहा है मोदी सरकार के बारे में। भारत की जनता वैक्सीनेशन लेने के लिए तैयार है, मगर मोदी सरकार भारत की जनता को वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहती है और मोदी सरकार पहले दिन से झूठ झूठ और झूठ बोल रही है। सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ज़मीन पर इसका कोई एक्शन नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, नंबर वन पॉइंट इसका यह है कि हमको सबसे पहले ये जो कोविन का रिक्वायरमेंट है उसको आप निकालिए। आप इस पैंडेमिक में आप क्यों कोविन का रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, आप वॉक इन वैक्सीनेशन रखिए नंबर वन, वो नहीं करना चाह रही मोदी सरकार। दूसरा ये है कि भारत में 300 मिलियन डोसेस पर मंथ लगाना है 300 मिलियन डोसेस भारत के लोगों को लगाना ज़रूरी है अगर उनकी जान को बचाने का है, जो ये सरकार नहीं कर रही है। तीसरा ये है कि आप क्यों नहीं कंपलसरी लाइसेंसिंग, आप खुद भारत सरकार के पास मिनिमम 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मोदी सरकार के सेंटर में जो वैक्सीनेशन को बना सकते हैं, आप कंपलसरी लाइसेंसिंग नहीं कर रहे। चौथी बात यह है कि पहले आपने झूठ कहा कि एक वैक्सीन के डोज के बाद 4 हफ्ते का टाइम लगेगा, फिर आपने 6 हफ्ते कर दिया, अब 12 से 16 हफ्ते कह रहे हैं। कितना बेवकूफ़ बनाएंगे मोदी सरकार भारत की जनता को? क्या इसके पीछे साइंस है? नहीं है। इसके पीछे क्या है कि मोदी सरकार के पास भारत की जनता को सेकेंड डोज वैक्सीन देने का वैक्सीनेशन है ही नहीं।